अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपसे हैमबर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं: स्लाइस्ड टमेटोज, स्लाइस्ड अनियंस, स्लाइस्ड चेडर चीज़, लेटस और बर्गर के लिए बंस। और उसके साथ में मैंने फ्राइज़ के लिए तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू को काट के हल्का सा नमक लगा के रख दिया है। आइए अब देखते हैं कि पैटीज़ के लिए क्या चीज़ें चाहिए। मैंने तकरीबन 1/2 पाउंड कीमा लिया है और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 teaspoon रेड चिली और उसके साथ तकरीबन 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर और तकरीबन 1/2 teaspoon सॉल्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और कीमा की पैटीज़ बना लें। मेरी तकरीबन 3 पैटीज़ बनी थी। तो आइए अब फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। मैंने जो बंस हैं उनको तैयार होने के लिए रख दिया है और फ्राइज़ जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। और दूसरे पैन में मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है पैन को और पैटी जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब पैटी की साइड चेंज करेंगे और जैसे ही मैंने इसकी साइड चेंज की है तो जो चीज़ का स्लाइस था वो इसके ऊपर रख दिया है। आइए अब असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो देखें, बर्गर तकरीबन रेडी है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।